सो दोस्तों, कैसे हो आप सब? मुझे उम्मीद है कि सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं आप लोगों को एक सीक्रेट बेस बनाना सिखाने वाला हूँ, लेकिन ये कोई नॉर्मल सीक्रेट बेस नहीं होने वाला, क्योंकि जो नॉर्मल सीक्रेट बेस होता है उसको बनाने के लिए हम लेवर का यूज़ करते हैं, राइट? लेकिन उस लेवर को छुपाने में ये अलग सा सिर दर्द हो जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा उसको छुपाने के लिए हम उसके सामने ग्रास उगा देते हैं, लेकिन स्टिल वो हमें दिखाई देता है। लेकिन जो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो काफ़ी ख़तरनाक होने वाला है, क्योंकि इसको खोलने के लिए आप लोग को इसके सामने खड़े होकर एक ब्रेड खाना होगा, तभी ये ओपन होगा, और इसको बंद करने के लिए भी आप लोग को एक ब्रेड खाना होगा, तभी ये बंद होगा। लेकिन यार, इतनी अच्छी वीडियोस बनाने के बावजूद भी आप सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, कर लो यार, प्लीज। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। Hey, come here. I have to tell you something. Subscribe to Cyber Gaming YT. तो इसके लिए आप लोगों को ये सारे आइटम्स चाहिए रहेंगे, और अगर आप चाहते हो तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद आप लोगों को यहाँ कुछ ऐसी लोकेशन ढूंढ लेनी है जो कि एक कॉर्नर में, और उसके बाद इसको तोड़कर अंदर की साइड आपको एक रूम बना लेना है, जो कि मैंने पहले ही बना रखा था। देन ये ब्लॉक्स तोड़ के अंदर दो स्टिकी पिस्टन लगा देना, और इनके सामने दो डर्ट लगा देना। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा मेरा हैंड कहाँ गायब है, तो मैंने यहाँ पर अपना हैंड इनेबल कर लिया है, और यहाँ पर देख सकते हो कुछ ऐसा दिख रहा है। और इसके पीछे आप लोगों को एक स्टोन लगा के ऐसा रेड स्टोन का कनेक्शन बना देना है। उसके बाद इधर पे एक ब्लॉक प्लेस करना है, उसके साथ एक रेड स्टोन टॉर्च प्लेस करनी है, तो आपका डोर बंद हो जाएगा। देन फिर से ऐसे रेड स्टोन को प्लेस कर देना है। फिलहाल के लिए हम इसको यहीं पर छोड़ देंगे, और इधर डोर के पास आकर हम यहाँ पर एक लेक्टन को प्लेस करने वाले हैं। उसके बाद इसके साथ हम एक कंपेरेटर को प्लेस कर देंगे। देन इसके साथ हम लोग एक कैलिब्रेटेड स्कल्क सेंसर को प्लेस कर देंगे। याद रखना, नॉर्मल स्कल्क सेंसर नहीं लगाना है। उसके बाद आप लोगों को एक बुक एंड क्वेल पे पेज नंबर्स लिखते जाना है, उसके हर एक पेज पे, जैसे कि यहाँ पर मैं लिखे जा रहा हूँ, अनटिल जब तक आप 15th पेज नंबर पे नहीं पहुँच जाते। तो 15 लिखने के बाद आप लोग को इसको साइन कर देना है, और इसका नाम कुछ भी रख देना है। उसके बाद यहाँ पर इसको रख देना है लेक्टन के ऊपर। उसके बाद आप लोग को इसको एक बारी तोड़ देना है, और पेज नंबर 8 को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। देन इसको फिर से यहाँ पर कैलिब्रेटेड स्कल्क सेंसर लगा देना है। उसके बाद आप देख सकते हो ये आवाज़ पर रिएक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ही मैं ब्रेड खा रहा हूँ तो ये रिएक्ट कर रहा है। इसी चीज़ का हम लोग यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद आप लोगों को कुछ ऐसा रेडस्टोन का कनेक्शन बना देना है, और यहाँ पर एक रिपीटर प्लेस कर देना है। फिर से रेडस्टोन का कनेक्शन बनाना है। देन आप लोगों को एक ड्रॉपर को प्लेस करना है, कुछ इस तरीके से। याद रखना, डिस्पेंसर का यूज नहीं करना है, ड्रॉपर का करना है। देन दूसरा इस तरीके से लगाना है, और उसके ऊपर एक और लगा देना है कुछ इस तरीके से। देन एक हॉपर इसके ऊपर लगा देना है, लेकिन ये सब आपको क्राउच करके करना है, वरना ये नहीं लग पाएगा। और अब जो हमारा हॉपर, इसके अंदर हम लोग को एक सिंगल आइटम डाल देना है, जैसे कि मैं डाल रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसमें एक रेड स्टोन डाल दिया है। तो अब हम जो हॉपर के नीचे ड्रॉपर रखा हुआ है, उससे हम लोग कनेक्शन लेने वाले हैं। इस तरीके से आपको कंपेरेटर प्लेस करना है, और उसके साथ एक रिपीटर लगा देना है। उसके बाद आप लोग को इसका कनेक्शन इसके साथ जोड़ देना है, और आप देख सकते हो वो डोर वहाँ पर खुल चुका है। तो अब हम लोग इसका चेकआउट करने वाले हैं कि ये चलता है या नहीं। और गाइस, ये यहाँ पर काम कर रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से, तो देख सकते हो ये काम कर रहा है। तो बाहर से भी मैं इसको एक बार ही चेक कर लेता हूँ कि ये काम करता है कि नहीं। तो देख सकते हो ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है, और अब हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। अब हम कहीं पर भी जा सकते हैं, और अब जब हमको अंदर जाना हो तो हमको एक ब्रेड खाना है, और अंदर जाने के बाद एक और ब्रेड खा लेना है इसको बंद करने के लिए। अब मैं अपना जो रूम है उसको सेपरेट कर देता हूँ रेडस्टोन के कनेक्शन से, कुछ इस तरीके से। मेरा रूम तो काफ़ी छोटा है, लेकिन अगर आप चाहो तो आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो। तो आप देख सकते हो ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है, और ये बहुत ही ख़तरनाक सीक्रेट बेस है। तो गाइज, लाइक सब्सक्राइब कर दो ऐसी न्यू वीडियोस के लिए, और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।